आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करो, इसके बारे में आज बातचीत करने वाला हूं। देखो, हमें दो तरह के माइंड है, एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड। मैं हरदम बोलते रहता हूं, कॉन्शियस माइंड जो है वो अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ द माइंड है, 90% जो है वो सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड मतलब एक ये मशीनरी है, ऑटोमेटिक चलने वाली मशीनरी है। जैसे उसको लाइन देंगे चलने के लिए, जैसा उसको डायरेक्शन देंगे वैसे वो चलेगी। कंडीशनिंग होती रहती है वहां, ऑपरेंट कंडीशनिंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग है, सब कंडीशनिंग वहां चलती रहती है। हमारा पूरा कंट्रोल जो है बॉडी का वो चलता है सबकॉन्शियस माइंड से, और सबकॉन्शियस माइंड में समझो निगेटिव थॉट्स है, वो निगेटिविटी अंदर पैदा करते हैं। निगेटिव केमिकल लोचा तैयार हो जाएगा, निगेटिव इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो जाएगी, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है वो कम होंगे, वो कम लेवल के होंगे, कम वोल्टेज के होंगे, और उससे फिर हमारे बदन के ऊपर असर पड़ेगा। यदि हमको हमारा हमारी बॉडी फिट रखना है, हमको खुद को फिट रखना है, एनर्जेटिक रखना है, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को कंटिन्यूअसली ऑनगोइंगली आपको पॉजिटिव सजेशंस ही देते रहने पड़ेंगे। ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट क्या है हमारा, बाय डिफॉल्ट हम आपको अपने आप को निगेटिव सजेशन देते रहते हैं, मेरा ये अच्छा नहीं है, मेरा वो अच्छा नहीं है, आज का पता नहीं आज का दिन कैसा जाएगा, फिर वो मुझे कोऑपरेट नहीं करता है, आज का मेरा लक ठीक नहीं है, या लोग मुझे कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, मेरा मूड ठीक नहीं है, मतलब ऐसा कंटिन्यूअसली ऑनगोइंगली हम निगेटिव 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 सजेशन ऑटोमेटिकली चालू रहते हैं दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड। इसलिए मैं बोलती हूँ कि वो एटीएम है, ऑटोमेटिक थॉट मशीनरी है, एटीएम ऑटोमेटिक थॉट मशीनरी सबकॉन्शियस माइंड, और उसका काम क्या है, एंट है, ऑटोमेटिक निगेटिव थॉट्स पैदा करना। अब उसका काम वो कर रहा है, एटीएम काम कर रही है एंट का। अभी हमको क्या करना है, मतलब कॉन्शियस माइंड को क्या करना है, कंटिन्यूअसली उसको फीड करना है पॉजिटिव सजेशन से, पॉजिटिव अफर्मेशन से, पॉजिटिव आत्म सुझाव से, कि नहीं मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, मुझे मन को बहुत खुशियाँ हो रही है, मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, मैं खुद का स्वीकार कर रहा हूँ, मैं खुद के ऊपर प्यार कर रहा हूँ, मैं लोगों को माफ़ कर रहा हूँ, मैं लोगों की प्रशंसा कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मुझे बहुत जोश जुनून उत्साह है, मैं जो काम हाथ में लेता हूँ उसमें सफलता पाता हूँ। कंटिन्यूअसली बार 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 बार, एक एक घंटे में, दो दो घंटे में आप रुक जाते हो, रुक के अपने आप को ऐसे सजेशन देते रहते हैं, क्या होगा वो सजेशंस जो है वो सबकॉन्शियस माइंड के फर्टाइल लैंड में वो इम्प्लांट हो जाएंगे, और वहाँ से आपको पॉजिटिविटी मिलेंगी, अपने बॉडी को, आपके माइंड को, आपके ब्रेन को, सब जगह पॉजिटिविटी आ जाएगी, और वहाँ से आपकी सभी एक्टिविटीज़ पॉजिटिव हो जाएगी। तो अपने आप से पॉजिटिव बोलना है, अपने आप को सजेशंस देना है, लोगों से बात करते हुए भी वही करना है, क्योंकि हम लोगों से यदि नेगेटिव बात करते हैं, किसी को ना बोलते हैं, किसी को नकार देते हैं, किसको गलत साबित करते हैं, किसको बुरा बोलते हैं, हमारे मन में भी उतना बुरा अंदर जाते रहता है। तो बुरा भी बोलना नहीं है, पॉजिटिव अफर्मेशंस लोगों को दो, खुद को भी पॉजिटिव अफर्मेशंस दो, उसका बहुत ज़्यादा असर आपके रोज के आपके जीवन में हो जाएगा, आपको रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, आपकी इफेक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी, आपका हैप्पीनेस, आपके मन की शांति बहुत बढ़िया होती जाएगी। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।